बालों के बारे में ये रोचक बातें नहीं जानते होंगे आप। हर 6 महीने में खुद बदल जाते हैं। हर 6 महीने में बदल जाते हैं बाल। बालों के निर्माण में हार्मोन्स की मुख्य भूमिका होते हैं। सिर के बाल प्रति महीने में लगभग 1.5 इंच की दर से बढ़ते हैं। इनकी आयु 2 से 8 साल तक होते हैं। उसके बाद पुनः नए बाल आते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं बालों के निर्माण के लिए कई कारण जिम्मेदार होते हैं। बालों का 95% हिस्सा केरोटीन प्रोटीन का बना होता है। केरोटीन एक ऐसा हार्मोन है जो 18 तरह के अमीनो एसिड से बनता है। बालों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर मौजूद होते हैं। सिर के अंदर वाले हिस्से को हेयर फॉलिकल कहते हैं, जबकि ऊपर वाले हिस्से को हेयर सैक कहते हैं। हेयर फॉलिकल बनने में 21 सप्ताह के समय लगता है। शरीर में लगभग 6 मिलियन यानी 60 लाख हेयर फॉलिकल होते हैं। सिर पर कुल 10 लाख हेयर फॉलिकल होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे सिर के बाल का घनत्व कम होते जाते हैं। इसका कारण यह है कि जब बड़े होते हैं तो हमारे सिर का आकार भी बड़ा होता जाता है। महिलाओं और पुरुष में बाल निर्माण की प्रक्रिया भिन्न होता है। सिर के बाल प्रति महीने लगभग 1.5 इंच के दर से बढ़ता है। ये 2 से 8 साल तक बढ़ सकता है। दूसरी ओर शरीर के अन्य बाल एक निश्चित वृद्धि के बाद रुक जाते हैं। शरीर के बाल हर 6 महीने बाद बदलते रहते हैं। अधिक कपड़े लगाकर बालों को शुद्ध वायु खींचने से रोकता है, फलस्वरूप बीमार पड़ता है। शरीर के अन्य बालों की तुलना में सिर के बालों का महत्व अधिक है। शायद यही वजह है कि किसी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बाल रखने की प्रथा है। इसके सूक्ष्म कारणों पर विचार करने से विदित होता है कि बाल रखने से मनोबल की वृद्धि होता है और दृढ़ता आती है।